नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। महात्मा गांधी किस तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए महात्मा के रूप में दिखाया गया। महात्मा गांधी कोई महात्मा नहीं थे, वो जो है उनको गरीब दिखाने के लिए हज़ारों रुपया खर्च किया जाता था। कहा जाता है कि महात्मा गांधी थर्ड क्लास से तय करते थे रेल यात्रा, इनके शायद आपको मालूम नहीं है कि थर्ड क्लास से जब वो तय करते थे तो उसके लिए उनके लिए पूरा बोगी जो है बुक कर दिया जाता था। सोचिए कि एक बोगी को बुक करने में कितना पैसा आता था उनको, ये दिखाने के लिए कि हाँ वो थर्ड क्लास से तय करते हैं, वो जो है पूरा बोगी को बुक करता था अंग्रेज। और महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों के द्वारा ही महात्मा प्रोजेक्ट किया गया कि भारतीय लोगों को मूर्ख बनाया जाए। और भी आपको मालूम है कि महात्मा गांधी बकरी का दूध पीते थे, लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि दिखाने के लिए कि जो बकरी का दूध उस ज़माने में सारे गरीब लोग पिया करते थे, तो महात्मा गांधी भी गरीबों को मसीहा दिखाने के लिए बकरी का दूध पीते थे। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि बकरी का दूध जो उनका बकरी था उसको डेली जो खुराक दिया जाता था उसके लिए उनको 10 रुपया डेली अंग्रेज देता था। उस समय 10 रुपये का क्या महत्व आप समझ सकते हैं। उस समय 10 रुपया एक स्कूल मास्टर का जो है सरकारी स्कूल का टीचर का एक महीने का सैलरी था, और उतना जो है महात्मा गांधी का बकरी एक दिन में खाना खाता था। उस बकरी का दूध पीते सोचिए कि कितना महंगा पड़ता था। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी एक दिन का जो खर्चा था रहने का और गरीबी में रखने का, जिसका भार अंग्रेज लोग उठाया करता था भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए, उसका खर्चा एक आदमी जो 5 स्टार होटल में भी रहेगा उससे भी कहीं ज़्यादा था। तो इसीलिए महात्मा गांधी को ये कहना कि वो बहुत ही सिंपल रहते थे और हाई थिंकिंग, ये फिर पूरी तरह से मूर्ख बनाया गया भारतीयों को। इसीलिए सरोजिनी नायडू ने कहा था कि टू सो महात्मा गांधी पुअर वी हैव टू पे हिम ट्रेजर्स, और उसको पूरा चाल अंग्रेज का था। यही चाल के तहत दिखाया गया कि महात्मा गांधी के कारण अंग्रेज आज़ादी आया, जो कि पूरी तरह से झूठ बात है। महात्मा गांधी की आज़ादी की लड़ाई में कोई भी बड़ा योगदान नहीं है, उन्होंने कोशिश भले ही अपने तरह से किया लेकिन उनका तरीका पूरी तरह से असफल था। जो अंग्रेज भागा भारत से वो कोई डर से भागा, कोई महात्मा गांधी के चरखा चलाने से नहीं भाग सकता था कभी। और महात्मा गांधी का चरित्र भी बिल्कुल महात्मा जैसा वो नहीं था, वो जो है सो लड़कियों का शोषण भी किया करते थे, जो कि बहुत ही उन पर गंभीर आरोप है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी पूरी ज़िंदगी महात्मा बनने की कोशिश करते रहे लेकिन वो महात्मा बन नहीं सके, और उनको अंग्रेज लोगों ने भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए महात्मा के रूप में प्रोजेक्ट किया। और हम लोग आज भी उनका गुण गा रहे हैं, सब जगह महात्मा गांधी का ही अब जानते हैं कि जिक्र होता है। हमारे नोट में जो है जो भी जितना भी नोट है सब में महात्मा गांधी का ही फ़ोटो रहता है। ये काफ़ी शर्मनाक की स्थिति है कि ऐसे आदमी का फ़ोटो, ऐसे आदमी को हम लोग इतना महान बना दिए, जो कि बिल्कुल ही महान नहीं था, बिल्कुल ही एक घटिया इंसान था, उसमें कुछ भी ऐसा बात था ही नहीं। वो कोशिश करते रहे और भारतीयों को जानते थे कि भारतीय लोग जो भी संत है उसको गरीब दिखाने के लिए, जो गरीब होता है उसको वो मानते हैं, तो इसके लिए वो गरीब दिखाने के लिए गरीबी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, दिखाते थे कि हम महात्मा हैं, लेकिन बिल्कुल महात्मा नहीं थे। और उनको महात्मा कहना बिल्कुल महात्मा का अपमान है, उनसे कई बड़ा बड़ा महात्मा हुआ जिसको कि हम लोग कोई महत्व नहीं देते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि भारतीय सरकार जो है उनको इतना महत्व न दे और उनको हम लोग पहचाने और महात्मा गांधी का बहिष्कार किया जाए, और महात्मा गांधी को जो स्थान दिया गया नोट में से उनको हटाया जाए, उनके जगह पर बड़ा बड़ा जो हस्ती है जो भारत के महान पुरुष हैं उनको वहाँ जगह दिया जाए। और अगर महात्मा गांधी हैं भी तो उनके साथ और भी लोगों को जगह दिया जाए, सिर्फ महात्मा गांधी का ही क्यों इतना जिक्र होता है। और कहते हैं हम लोग कि दे दी है मैं आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तुमने कर दिया कमाल, बिल्कुल गलत बात है।
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग महात्मा गांधी के असलियत को पहचानें और उनको जानें और इस मुहिम एक मुहिम के तहत इस चीज़ को चलाया जाए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ ताकि ये जानकारी उनको भी मिले, वो भी अज्ञानता से बाहर निकलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।